तो जैमिनी सिद्धांत का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र ये है कि जब महर्षि जैमिनी ने इसको साधना स्टार्ट किया, जब इसके पीछे समय देना स्टार्ट किया, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जिससे जो है एक सेंटेंस को एक शब्द में बदला जा सकता है। जिस तरह से पराशरी ज्योतिष क्या होता है, वो हर चीज का विस्तार होता है, हर चीज को डिटेल में समझना, विस्तार से समझना। तो जैमिनी महर्षि ने शुरुआत की इसी विस्तार को मिनिमाइज करना, शॉर्टकट, जितना ज्यादा शॉर्ट में लाया जा सके। ठीक है, अदर अदर प्रोसेस में भी ऑलमोस्ट इस तरह के ही काम होते हैं। जैसे अगर आप जाए भृगु नंदिनी, तो उसमें भी कॉम्बिनेशन और युतियों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन जैमिनी ज्योतिष जो है वो पर्टिकुलरली एक ऐसे विजन को दिखाता है, एक ऐसे एंगल को दिखाता है जो एस्ट्रोलॉजी को और भी ज्यादा सहज और इजी बनाता है। स्पेशली अगर कुछ चीजों का प्रिडिक्शन करना हो तो प्रिडिक्शन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। पर्टिकुलरली अगर ग्रहों की बात करें और उनके भावों की बात करें, राशियों की बात करें, उसको समझने में और उसका इंटरप्रिटेशन करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, इजी बना देता है एक्चुअली प्रोसेस। तो सबसे पहले जो इनके इनका जो मूल सिद्धांत है वो है दृष्टि। जैसे पराशरी ज्योतिष में, हम जो वैदिक ज्योतिष है उसमें दृष्टियां किस चीज की होती हैं, ग्रहों की दृष्टि बताई गई, जबकि जैमिनी ज्योतिष में बताया गया है राशियों की दृष्टि। जो 12 राशियां हैं ये एक दूसरे को किस तरह से दृष्टि देती हैं और दृष्टि का कितना प्रभाव उनको पड़ता है, पर्टिकुलरली उस ग्रह दशा के अंतर्गत ये चीजें आती हैं, उस हिसाब से इसमें बताया गया। और अगर देखा जाए तो जो वैदिक ग्रहों की दशाएं होती है वहां उस जगह पे, यहाँ पर जो है अलग, जैसे चर दशा, मंडूक दशा, नारायण दशा, नेमांस दशा, इस तरह की दशाएं होती है। इनकी दशाएं भी थोड़ी अलग टाइप की, लेकिन है, अगर आप समझ गए, अगर जिनका बेसिक क्लियर है, यानी कि एस्ट्रो एस्ट्रोलॉजी में अगर आपने वैदिक में अपना बेसिक थोड़ा क्लियर रखा है, तो इसको समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं हो। जैसे अगर आप लोगों को राशियों के बारे में अच्छे से पता है, 12 राशियों का नेचर, 12 राशियों का स्वभाव क्या है, ग्रहों के बारे में अच्छे से पता है, उसके बाद भावों के बारे में अगर अच्छे से पता है, तो समझ लीजिए कि ये समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, क्योंकि ये ना, जैसे अगर आप लोगों में से किसी ने, अगर होंगे शायद लाल किताब वाले भी होंगे, तो लाल किताब के साथ बहुत ज्यादा ये मैटर करता है। लाल किताब का कैसा सिस्टम है कि एक फ्रेम है कि हर चीज को हम पहला दूसरे भावों से हम कनेक्ट करते हैं, उसमें राशियों को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देता जितना भावों को दिया जाता है। तो ठीक जैमिनी ज्योतिष में भी कुछ वैसे ही बातें आती है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, लेकिन ये भी उसी तरह का काम करता है, जैसे कहते हैं ना दाल में तड़का लगाना, तो ये वैदिक में तड़का लगाने जैसा ही एक सिस्टम है। तो आज क्योंकि आज फर्स्ट बिल्कुल वेबिनार है, तो यहाँ पर शुरुआत हम लोग दृष्टि राशियों के ऊपर ही करेंगे, राशियों की दृष्टि और उसके प्रभाव किस तरह से कैसे पड़ते हैं। देखिए जैमिनी सिद्धांत में राशियों को वैल्यू बहुत ज्यादा दिया गया। इसमें कहा गया है कि जिसमें जिस तरह से हम वैदिक में जिस तरह से बताया गया है कि चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। चर राशि जितने हैं, 1, 4, 7 और 10। स्थिर राशि कौन से हैं, 2, 5, 8 और 11। और द्विस्वभाव राशि है 3, 6, 9 और 12। तो इनका अपना अपना स्थान है, इनकी अपनी अपनी दृष्टि है। जैसे प्रत्येक चर राशि अपने निकटतम स्थिर राशि को छोड़कर अन्य स्थिर राशि पर अपनी दृष्टि होती है। जैसे मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर देता हूं, आप लोग स्क्रीन दिख रहा है ना, स्क्रीन इज स्क्रीन विजिबल दिखाई, विजिबल ओके। जैसे चर राशि है, तो प्रत्येक चर राशि अपनी निकटतम स्थिर राशि को छोड़कर, क्या है इसमें, मेष, मेष चर है, कर्क चर है, तुला चर है और मकर चर राशियों में, तो ये अपने निकटतम स्थिर, यानी जस्ट उनका सेकंड स्थान जो है, इस राशि को छोड़कर बाकी सारे चर राशियों में इसकी दृष्टि होती है। ठीक है, पर्टिकुलर चर राशियों में, ठीक जैसे मेष में हुआ, इसी प्रकार से
कर्क वाले जो है, कर्क राशि जो है, ये अपने सेकेंड हाउस को छोड़कर आठवें घर में दृष्टि होगी, इसमें दृष्टि होगी और इसमें दृष्टि होगी। ठीक उसी तरह तुला में, तुला राशि वाले अपने दूसरे घर को छोड़कर, इनको नहीं, इनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी। उसके बाद जाएंगे कुंभ में, वृषभ में और सिंह में, और मकर वाले इसको छोड़कर इनकी दृष्टि वृषभ में, सिंह में और वृश्चिक में इनकी दृष्टियां जाती। ठीक है, इसका एक बहुत सुंदर एक चार्ट बना हुआ है, मेष राशि वृषभ राशि का एक चार्ट बना हुआ है। जब आप लोग जब इसके ऊपर अध्ययन करेंगे, जो विस्तारित रूप से इसमें पढ़ेंगे, तो उसमें मैं पूरा उसका टोटल चार्ट बता दूंगा। चार्ट रहने से क्या होता है कि आपको समझ में आता है, याद रहता है, मेमोरी भी अच्छी रहती है, और उसको समझ मतलब याद करने में भी अच्छी रहती है। मतलब कि एक तरह से एक फोटोग्राफिक मेमोरी अगर दिमाग में बैठ जाए कि ये चार्ट है, इसके हिसाब से चलना, तो कैलकुलेशन करने में भी इजी होता है। अगर इसी तरह से इन भाव में अगर कोई ग्रह है, जैसे चर राशि में यहां पर मंगल बैठा है, तो यहां पर इस भाव के वजह से मंगल की भी का भी प्रभाव जो है, जिन जिन भावों में इस राशि की दृष्टि पड़ रही है, उन उन भावों में मंगल का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। जो भी प्लैनेट हो, मैंने तो यहां सिर्फ उदाहरण लिया है, जो भी प्लैनेट वहां बैठा हो, उस प्लैनेट से रिलेटेड जो भी उस प्लैनेट की शक्तियां हैं या कारकत्व है, उसका इफेक्ट बाकी जहां जहां पर राशि दृष्टि दे रही है, उसका भी सहयोग वहां पर मिलता है। कर नहीं रहे हैं, ऐसी फ्री की चीज है, टाइम पास करें, क्या है। ठीक है, तो राशियां इसलिए जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि राशियों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। राशियां सबसे ज्यादा, देखिए क्या होता है, नॉर्मली ग्रह जो है, आप जब तारा मतलब आकाश मंडल में जब हम लोग देखते हैं, तो ग्रह जो है अपने एक्सेस में घूम रहे हैं, लेकिन वो हमेशा ना राशियों के बीच में उसका एक पर्टिकुलर एक्सेस है, पर्टिकुलर ऑर्बिट है, जो उस नक्षत्रों से होते हुए उसको निकलना है। तो नक्षत्र जो है वो स्थिरता के साथ पड़े हुए, नक्षत्र कभी ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाते, वो स्थिर है। इसलिए जैमिनी ऋषि ने ये देखा कि अगर ग्रह अपनी दृष्टि देते हैं, तो अस्थिर होने की वजह से उनकी दृष्टि ज्यादा प्रभावकारी नहीं हो सकती है। लेकिन पराशर में इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। उन्होंने ग्रहों को छोड़कर जब देखा कि उनके नक्षत्र जो है या राशियां जो है वो स्थिर है, वो अपनी जगह से हिलते दुलते नहीं, वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलते, तब उनने ये चीज नोटिस किया कि अगर ग्रह सॉरी राशियां हिलते नहीं है अपनी जगह पे, कहीं मूवमेंट नहीं है, तो उनकी दृष्टि ज्यादा प्रोमिनेंट होगी, ज्यादा प्रभावशाली होगी। तो उस हिसाब से उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या किया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, दशा अंतरदशा के हिसाब से, जो चर कारक दशाएं आती है इसमें, इसके अंतर्गत कि कौन सी राशि की दशा कब आती है, किस राशि के बाद कौन सी राशि की दशा आती है, इसको हम आगे जो है इस पूरे इसमें कोर्स में पढ़ेंगे।